क्लास 12th का चैप्टर मनी मीनिंग एंड फंक्शंस पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ वन कॉमोडिटी फॉर अनदर। इसमें हम किसी भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी एक कॉमोडिटी को दूसरे के साथ जब एक्सचेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। इसमें कोई भी कॉमोडिटी को एक्सचेंज करके दूसरे से कोई और कॉमोडिटी या गुड लिया जाता है। लेकिन बार्टर सिस्टम के बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे या डिफिकल्टीज थी, जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम में लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी इकोनॉमी में। तो इसकी डिफिकल्टीज क्या क्या थी? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस में क्या होता है कि कोई भी कॉमोडिटी हम तभी एक्सचेंज कर सकते हैं जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों रेडी हो एक्सचेंज करने के। और कब वो रेडी होंगे? जब मेरी रिक्वायरमेंट की चीज सेकंड पर्सन के पास होगी और सेकंड पर्सन की रिक्वायरमेंट की चीज फर्स्ट पर्सन के पास होगी। और लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ कि मुझे पर्सन वन को कोई कॉमोडिटी चाहिए जो दूसरे पर्सन के पास है, लेकिन दूसरे पर्सन को कोई कॉमोडिटी चाहिए जो पर्सन वन के पास नहीं है, तो वहां पे प्रॉब्लम कौन सी क्रिएट होती है? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, कि दोनों की रिक्वायरमेंट्स एक दूसरे से फुलफिल नहीं हो रही है। सेकंड प्रॉब्लम क्या होती है? लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। कोई कोई कॉमोडिटी होती है जिसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, जस्ट लाइक अ एनिमल। जैसे कॉमोडिटीज में हम अगर मान लो किसी को कोई शूज चाहिए और वो किसके साथ एक्सचेंज करना चाहता है? हॉर्स के साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं, और शूज की वैल्यू कम है, हॉर्स की वैल्यू ज्यादा है, तो हम हॉर्स को डिवाइड तो नहीं कर सकते पार्ट्स में। तो वहां पे कौन सी प्रॉब्लम आती है? लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यूज में डिफरेंस है, लेकिन हम एक्सचेंज करते टाइम हॉर्स को जो हमारी एक कॉमोडिटी है उसको डिवाइड नहीं कर सकते दोनों की वैल्यू बराबर करने के लिए। तो वहां पे आती है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम। थर्ड है लैक ऑफ कॉमन मेजर। लैक ऑफ कॉमन मेजर में क्या है कि दोनों कॉमोडिटीज की वैल्यू बराबर है या नहीं, हम ये कैसे चेक करेंगे? ठीक है, कि हॉर्स अगर हमारा 10,000 रुपीज का है और शूज हमारे 2,000 रुपीज के हैं, तो दोनों की वैल्यू बराबर तो नहीं है ना, तो एक्सचेंज करने में उसमें प्रॉब्लम आती है लैक ऑफ कॉमन मेजर, कि कॉमन वैल्यू नहीं डिसाइड हो पा रही है दोनों कॉमोडिटी की। फोर्थ है डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसफर। इसमें क्या होता है कि हम किसी किसी कॉमोडिटी को बहुत ज्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि कुछ टाइम बाद कुछ खराब हो जाती है, ठीक है, और उसको हम ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर को एक कॉमोडिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में हमारी एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, तो उस वहां पे हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसफर। नेक्स्ट है इसी की वजह से, इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से इकोनॉमी में मनी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। तो हम पढ़ते हैं मनी क्या है। मनी इज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेबल बाय ऑल। मनी एक ऐसा जरिया है जो चीजों को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने के लिए सबके द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। इट ऑल्सो एक्ट एज अ मेजर। उसको हम किसी चीज को नापने के लिए, किसी भी कॉमोडिटी की वैल्यू को नापने के लिए भी यूज कर सकते हैं, एक्ट एज अ मेजर एंड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। और हम मनी को स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब मनी को स्टोर करके भी रख सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फॉर फ्यूचर पर्पसेस, क्योंकि कॉमोडिटीज को हम स्टोर करके नहीं रख सकते, लेकिन वी कैन स्टोर मनी फॉर फ्यूचर पर्पस। तो यहाँ पे एक्ट एज अ मेजर, यहाँ पे बार्टर सिस्टम की कौन सी डिफिकल्टी को दूर कर रहा है? लैक ऑफ कॉमन मेजर, कि हम दो अलग अलग कॉमोडिटीज को मेजर करके उनकी मॉनिटरी वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं। और एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू इसमें कौन सी डिफिकल्टी दूर कर रहा है? हमारी डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसफर, क्योंकि मनी को हम स्टोर भी कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह इजिली ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अब मनी के कुछ फंक्शन है, जैसे कि हमारे प्राइमरी फंक्शन में क्या क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज में मनी एक ऐसा जरिया है जिससे हम गुड्स या कॉमोडिटीज को इजिली एक्सचेंज कर सकते हैं दूसरे के साथ। नेक्स्ट है मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू। इसमें हम हर चीज को मॉनिटरी वैल्यू में मेजर कर सकते हैं, कि अगर हमारी कोई आइटम 5 रुपीज का पेन है उसको हम मॉनिटरी वैल्यू कितनी होगी? 5। अगर कोई हमारे रजिस्टर है 20 रुपीज का, उसकी मॉनिटरी वैल्यू क्या हो गई? 20 रुपीज। तो हम हर कॉमोडिटी या गुड को मॉनिटरी वैल्यूज में मेजर कर सकते हैं। तो इसके प्राइमरी फंक्शन क्या क्या हो गए? मनी के मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू। अब इसके सेकेंडरी फंक्शन क्या क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स मींस इसमें हमें फ्यूचर में जो पेमेंट्स करनी है उसके लिए भी हम मनी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम मनी को यहाँ पे प्रॉब्लम थी ना डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज, हम कॉमोडिटी को स्टोर करके नहीं रख सकते थे फॉर फ्यूचर पेमेंट। कि अगर मान लो अभी हमने एज अ फार्मर हमने अभी बहुत सारा दाल उगाई है, दाल की खेती की है, लेकिन उस दाल को हम 6 महीने बाद हम पेमेंट के लिए नहीं रख सकते, क्योंकि उसके लिए हमें स्टोरेज करने के लिए फिर बहुत सारा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो इसलिए वहां पे हमारे स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करी है इसने, कैसे कि हम फ्यूचर पेमेंट्स के लिए हम मनी को यूज कर सकते हैं। अगर हम किसी से लोन लेते हैं,
कि अभी हमने लोन लिया, हमें उसको 4 साल बाद या 5 साल बाद पे करना है, तो हम किसी कॉमोडिटी को नहीं पे कर सकते फॉर फ्यूचर अगेन, कि कॉमोडिटी खराब हो जाएगी या कोई भी उसकी वैल्यू डिग्रेड हो जाएगी, तो वहां पे हम मनी को यूज कर सकते हैं। सेकेंड है स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं फ्यूचर पेमेंट्स के लिए। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मनी को हम इजिली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये थे इसके प्राइमरी फंक्शन और ये है इसके सेकेंडरी फंक्शन। अब इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है सप्लाई ऑफ मनी, मनी की सप्लाई कैसे होती है, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड होती है। तो सबसे पहले सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन एन इकोनॉमी एट एनी गिवन टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी भी इकोनॉमी की पब्लिक के पास कितना अमाउंट उनके पास है, उस चीज को बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक इकोनॉमी की जनरल पब्लिक के पास कितना पैसा है, वो दैट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ मनी। उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, इट डज नॉट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो उस मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होता है। एंड करेंसी लाइंग विद सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक ने अपने पास जो करेंसी जनरेट करके रखी हुई है, ये दोनों चीजें सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो हम इन जनरल व्यू हम क्या बोलेंगे, जो पैसा पब्लिक के पास खर्च करने के लिए है, दैट इज सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, अब इसमें मनी सप्लाई को नापने के दो तरीके होते हैं, ट्रेडिशनल नैरो अप्रोच, मॉडर्न और ब्रॉडर अप्रोच। ट्रेडिशनल नैरो अप्रोच बहुत पहले यूज किया जाता था, लेकिन अब हमारा मॉडर्न और ब्रॉडर अप्रोच यूज होता है। तो हम इसी को आगे हम मॉडर्न और ब्रॉडर अप्रोच में मनी सप्लाई को नापने के चार तरीके हैं। सबसे पहले मेजर वन, मेजर वन में क्या क्या आता है, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद पब्लिक। पब्लिक के पास जितना भी नोट्स और कॉइन्स के फॉर्म में जो भी पैसा है वो सारा पैसा, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स, बैंक्स में जितने भी डिमांड डिपॉजिट जनरेट हुए हैं वो सब, एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक्स ने जितने भी डिपॉजिट रखा हुआ है इन डिफरेंट फॉर्म्स, वो सब हमारा M1 में इंक्लूड होगा। तो इन तीनों को करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स, इनको मिला के बन गया हमारा मेजर वन। अब मेजर टू के लिए क्या है हमारा, M1 प्लस सेविंग्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग्स बैंक खुले हुए हैं उसमें जो भी पैसा पब्लिक का जमा है एज सेविंग्स, उसको अगर हम M1 में इंक्लूड कर देंगे तो हमारा M2 बन जाता है। उसके बाद M3 क्या है हमारा, मेजर थ्री में M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स या फिक्स डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स और फिक्स डिपॉजिट्स क्या होते हैं कि कभी कभी जो पब्लिक है वो बैंक्स के पास एक फिक्स अमाउंट के लिए कोई पैसा ऑन इंटरेस्ट दे देती है, कि अगर मैंने 10,000 रुपए एक साल के लिए बैंक के पास रख दिया तो वो हो गया हमारा फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट, क्योंकि पर्टिकुलर 1 ईयर उसमें टाइम डिफाइंड है, इसलिए उसको टाइम डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। तो उसको अगर हम M1 में इंक्लूड कर दें तो हमारा आ जाता है M3 और M4। M4 में क्या आता है, M3 मतलब इंक्लूडिंग M1 एंड टाइम डिपॉजिट, वो हमारा हो गया M3। अगर उन सब में हम टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, हमारे जितने भी डिपॉजिट्स हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में, उसको हम ऐड कर देंगे। सेविंग्स अकाउंट वाले तो पहले से ही ऐड है, उसके अलावा जितने भी तरह के डिपॉजिट्स हैं पोस्ट ऑफिस में पब्लिक के, वो सारे हमारे M3 में ऐड हो जाएंगे तो M4 बन जाएगा। लेकिन उसमें क्या नहीं आता, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये हमारी एक स्कीम होती है सेविंग्स की, ये हमारी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हमारी इसमें इंक्लूड नहीं होती। क्यों? क्योंकि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हमारी होती है 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो उसमें हमारी बार बार वो हर साल काउंट होगी तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, इसलिए हम NSC को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो फिर ये हमारा M4 बन जाता है। तो ये हमारा चैप्टर था मनी, मीनिंग एंड फंक्शन, उसका मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। थैंक यू।